हेलो दोस्तों, हेरॉन का सूत्र यानी हेरॉन्स फॉर्मूले के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने हेरॉन के सूत्र का अनुप्रयोग कर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात किए। आज हम इसी से संबंधित एक और दिलचस्प प्रश्न हल करेंगे। दी गई आकृति में ABCD एक वर्गाकार टाइल है जिस पर एक रंगोली का चित्र बना हुआ है जिसमें त्रिभुज PQO और त्रिभुज PWO सर्वांगसम हैं और इन चारों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर है। तो आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर टाइल ABCD के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, आकृति को ध्यान से देखिए। हमें दिया हुआ है कि इन चारों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर है, इसे हम समीकरण एक मान लेते हैं। और आप आकृति में देख सकते हैं कि रंगोली का चित्र इन चारों चतुर्भुजों से मिलकर बना है, यानी इन चतुर्भुजों के क्षेत्रफल के योग से हमें रंगोली के चित्र का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। इसे हम समीकरण दो मान लेते हैं। अब चतुर्भुज PQOW को ध्यान से देखिए। इसमें यह दो त्रिभुज PQO और त्रिभुज PWO हैं। प्रश्न के अनुसार यह त्रिभुज सर्वांगसम है। आकृति में इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप दिया है। यहाँ हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हेरॉन के सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। चलिए OQ को A, PQ को B और OP को C मान लेते हैं। अब हमें अर्ध परिमाप यानी S का मान निकालना है। वीडियो पॉज कर आप इसका प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार हमें S 11 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। सूत्र को ध्यान में रखते हुए अब हम S-A, S-B और S-C का मान ज्ञात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमें क्रमशः 6, 3 और 2 प्राप्त हुआ। अब हेरॉन के सूत्र में इन सभी मानों को प्रतिस्थापित कर इसे हल करते हैं और हमें त्रिभुज PQO का क्षेत्रफल 6 करणी में 11 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ और यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, यानी त्रिभुज PWO का क्षेत्रफल भी यही होगा। और हम चतुर्भुज PQOW का क्षेत्रफल इन दोनों को जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं। यह 12 करणी में 11 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इन चारों चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर हैं। दोस्तों, समीकरण दो को देखिए। हम रंगोली के चित्र का यह क्षेत्रफल इन चारों चतुर्भुजों के क्षेत्रफल को जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें 48 करणी में 11 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। इसे हम समीकरण 6 मान लेते हैं। और अब वर्गाकार टाइल ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। दोस्तों, वीडियो पॉज कर आप इसे स्वयं हल करें। यहाँ आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। यह हमें 400 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब वर्गाकार टाइल के बचे हुए भाग का क्षेत्रफल हम टाइल के क्षेत्रफल में से रंगोली के चित्र के क्षेत्रफल को घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। इनका मान इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर हम बचे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, जो 400 - 48 करणी में 11 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा। दोस्तों, यहां आप करणी में 11 का मान रखकर इसे सरलीकृत कर सकते हैं। दोस्तों, इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने हेरॉन के सूत्र का प्रयोग कर एक प्रश्न हल किया। धन्यवाद।